आप चाहें तो दो माचिसों से एक बहुत ही सुंदर डंप ट्रक बना सकते हैं। इसके लिए आपको चार बटन, एक रिफिल, दो सुइयां और एक मोमबत्ती लगेगी। पहले सुई की नोक को मोमबत्ती में गर्म करें और उसको शो बटन के बीच व बीच धंसा दें। फिर एक 2 सेंटीमीटर लंबा रिफिल का टुकड़ा सुई में डालें। सुई के दूसरे छोर को गर्म करके उसमें एक दूसरा प्रेस शो बटन धंसा दें। इस तरह से दो बटनों के चक्के, रिफिल का बेयरिंग और धुरी बन जाएगी सुई की। एक माचिस को बाहर निकालें उसकी दराज को और उसकी दराज को काट दें और पीछे की तरफ मोड़ दें। फिर पीछे की ओर थोड़ा सा गोंद लगाएं और गोंद को सूखने का इंतजार करें और फिर इस छोटे से फ्लैप को जो भारी खोखा है उस में अंदर की तरफ चिपका दे। ये माल लोड करने वाला डाला बन जाएगा ट्रक का। उसके बाद में दूसरी माचिस लें, उसकी दराज को बाहर निकालें और जो बाहर का खोखा है उसका एक तिहाई हिस्सा काट करके फेंक दें। दो तिहाई वाले हिस्से को एक ड्राइवर के केबिन जैसे दराज में खड़ा करें और उसके पश्चात दोनों माचिसों को आपस में जोड़ दें। इस तरह से डंप ट्रक का आकार तैयार हो जाएगा। फिर ड्राइवर के केबिन में एक छेद बनाएं और उसके अंदर एक टूथपिक फंसा दें। अब आपका ट्रक लगभग तैयार है। उसमें दो जोड़ी पहिए या चक्के टेप से चिपका दें। ये पहिए बिल्कुल आसानी से घूमेंगे और आपका डंप ट्रक भी सड़क के ऊपर फर फर भागेगा। अंत में जो पिछला डाला है उसके अंदर पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ला दें और फिर एक रिफिल की सहायता से टूथपिक के लीवर को दबाएं और आपको आश्चर्य होगा कि पिछला डाला धीरे धीरे उठेगा और सारा माल अनलोड कर देगा। इस क्रिया को आप एक बार और देखें। ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प डंपर ट्रक है।